मशहूर है ताजमहल के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ठीक सामने एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर कोई जाना नहीं चाहता। आज हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं ताजमहल के ठीक सामने इस संदली मस्जिद में। ये मस्जिद शाहजहां की पहली बेगम कांधारी बेगम के मकबरे की जगह भी है। कांधारी बेगम को लेकर कई बातें प्रचलित हैं, जैसे कि शाहजहां ने सिर्फ अपनी एक बीवी यानी मुमताज़ के लिए ही अपने प्यार का नमूना बनाया, यानी कि ताजमहल, लेकिन उन्होंने अपनी बाकी की बेगमों के साथ नाइंसाफ़ी करी। आप देख सकते हैं उस ओर ताजमहल है, यानी कि मुमताज़ और शाहजहां के मकबरे हैं। और ये जगह, ये जो छोटा सा एक खंडर आप देख रहे हैं, ये शाहजहां की पहली बीवी कांधारी बेगम का मकबरा है मेरे ठीक पीछे। फ़िलहाल इस जगह पर लोग क्यों नहीं आते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जगह मशहूर है जिनों के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जगह यानी संदली मस्जिद, इसे लोग बिल्लियों वाली मस्जिद या फिर काली मस्जिद के नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पर अनगिनत बिल्लियाँ कभी हुआ करती थी, और लोगों का कहना था कि ये बिल्लियाँ नहीं हैं बल्कि ये जिन हैं। तो आज जब हम ताज नगरी पहुँचे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम संदली मस्जिद पहुँच कर यहाँ का सच भी जानते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे ही हमने इस जगह पे कदम रखा, एक अजीब सी रूहानियत महसूस हुई, एक अजीब सा ऑरा इस जगह में है, महक है जो यहाँ पे चारों तरफ फैली हुई है। ये महक मैंने पिछली बार दिल्ली के फिरोशा कोटला में महसूस करी थी, और हमने अपने पहले एक वीडियो में आपको दिल्ली के फिरोशा कोटला के बारे में भी बता रखा है कि वहाँ पर भी किस तरह से लट वाले बाबा जिन हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं, लोग उन्हें लेटर्स लिखते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल लेटर्स का नहीं बल्कि पन्नियों का एक रिवाज मुझे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने यहाँ पे पन्नियाँ लपेटी हुई हैं, यानी कि ये उनकी मुरादें हैं। यहाँ आने वाले लोग अगरबत्ती सुलझाते हैं और अपनी मुराद मानकर ये पन्नियाँ यहाँ पर बांध देते हैं। जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो वो इन पन्नियों को दोबारा खोलने भी आते हैं, और जो भी वादा उन्होंने यहाँ पर रहने वाले जिनों से किया हो वो उसे पूरा भी करते हैं। यहाँ पर वही महक, वही एक ऑरा, वही रूहानियत मुझे फिर से महसूस हो रही है जो कि बिल्कुल फिरोशा कोटला में है। कांधारी बेगम को संदली बेगम के नाम से भी जाना जाता था। संदली बेगम के बुर्ज के सामने ठीक ये मस्जिद मौजूद है, और कहा जाता है कि इस मस्जिद में जिन्नातों का घर है। यहाँ रहने वाले जिन्नात यहाँ आने वाले लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, और यहाँ पर बिल्लियों के रूप में घूमते हैं लोग। यहाँ बिल्लियों को आकर खाना खिलाते हैं। यहाँ मिलने वाली बिल्लियाँ कोई आम बिल्लियाँ नहीं हैं, बल्कि वो बहुत ही खूबसूरत पर्शियन बिल्लियाँ हैं। जुम्मे रात के दिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यही वो दिन है जब लोग यहाँ आकर अपनी मुराद मांगते हैं। तो क्या आप कभी यहाँ आए हैं? अगर यहाँ आए और आपको कोई अलग सा एक अनुभव महसूस हो तो आप उससे डरिए नहीं। अगर आप डरेंगे तो ऐसी ताकतें आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपना कोई अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर अपनी बात बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस जगह पर भी जाएं जहां आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ हो।